जो लेफ्ट बैंक में फंसे लोग थे कल जो है सबके सब उनको हमने रेस्क्यू किया। रात को हम जो है जंगल में ही हमने स्टे करा है रात को, और अर्ली मॉर्निंग इसके बाद हम 5 o'clock जो है आज मॉर्निंग जो है रेस्क्यू के लिए गए थे। चार लोगों की जान बचाई, कैसे रेस्क्यू अभियान चलाया और कितने देर का ये रेस्क्यू अभियान था और किस तरीके से उन चार लोगों को निकाला? कहाँ ये फंसे थे? ये लगभग हमारा 2 दिन का ऑपरेशन था और इसमें ये टोटल हमने 33 जो विक्टिम्स थे पावर प्रोजेक्ट के वर्कर्स थे उनको सेव किया, और ये इसमें से 4 लोग जो है मलाना 2 में टनल में फंसे थे और बाकी जो 29 थे वो ऑपोजिट साइड में लेफ्ट बैंक में फंसे थे। तो कल की बात करें तो कल हमारी टीम यहां से, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां से इस टेरेन से क्लाइम करके गई और उसके बाद जो है हमारी टीम उस साइड पे पहुंची, और साइड पे पहुंचने के बाद हमने प्लानिंग की, देन उसके बाद हम लेफ्ट बैंक की ओर से, क्योंकि दोनों साइड से जो है अप्रोच विक्टिम जो इंसिडेंट साइट था वहां तक पहुंचने का जो है कम्प्लीटली कट ऑफ था, तो हमने जो ब्लैक बैंक था तो वहां से जो है माउंटेन के रास्ते से क्लाइम किया, और जो लेफ्ट बैंक में फंसे लोग थे कल जो है सबके सब उनको हमने रेस्क्यू किया। साथ ही साथ जो है इवनिंग टाइम में हमने पानी जो है कम हो गया था तो नीचे रिवर के साइड से हमने जो चारों टनल में फंसे विक्टिम्स थे उनसे भी हमने अप्रोच जो है स्थापित किया और उनका हालचाल पूछा, और कल भी हमने इवनिंग टाइम में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने की कोशिश की, पर जो है रात होने की वजह से हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाए और हम वापस जरी भी नहीं पहुंच पाए, और रात को हम जो है जंगल में ही हमने स्टे करा है रात को, और अर्ली मॉर्निंग इसके बाद हम 5 o'clock जो है आज मॉर्निंग जो है रेस्क्यू के लिए गए थे। और आज हमारे पास जो एक हम स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स रखते हैं हमारे साथ, इसमें रोप थ्रो गन की बात मैं करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत हमने जो है रोप को उस पार जो है टनल की तरफ जो है थ्रो किया, और हमारे एक रेस्क्यूअर उसमें जांबार रेस्क्यूअर अरुण जो है रिवर क्रॉस करके गया उनके पास, और वहां से हमने रोप को जो है बिल्कुल जिपलाइन की मदद से सभी चारों विक्टिम्स को सक्सेसफुली जो है इवैक्यूएट किया। कितने लोगों की टीम थी, कौन कौन रेस्क्यू में शामिल था? जी हमारी वैसे तो 35 की टीम यहां पर कुल्लू में जो है मॉनसून के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आई है। कल 2 स्थानों पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन एक साथ हमें कंडक्ट करना पड़ा, तो आधी टीम हमारी जो है उस ऑपरेशन के लिए गए, तो आधी टीम यहां पर 18 मेंबर की टीम हमारी इस ऑपरेशन के लिए आई थी। एनडीआरएफ के अलावा कौन कौन सी टीम? एनडीआरएफ के अलावा यहां जो लोकल पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, और उसके बाद होमगार्ड की टीम है, और साथ ही साथ गाइड और अभिमास जो हमारी इंस्टीट्यूट है माउंट ट्रेनिंग की, उनके भी जो है सदस्य इस ऑपरेशन में शामिल थे। और उनकी तबीयत कैसी है जो रेस्क्यू हुए? रेस्क्यू विक्टिम्स जो है कल भी उन इवनिंग में हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया था और बिल्कुल ठीक सामने 50 मीटर दूर हम पहुंचे थे और फोन के द्वारा हमने कम्युनिकेट किया और सामने से जो है बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहे थे, उनके पास उस वक्त पानी वगैरह था, और मॉर्निंग में जब हम रेस्क्यू करके लाए तो उन्होंने मेडिकल चेकअप की भी किया, हमने उनकी जो है फूड और वाटर वगैरह इंस्टेंटली हमने दिया, और उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा होता है और इसके साथ साथ वो 2 दिन जो है भूखे भी रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी वीकनेस है, बाकी वो कम्प्लीटली फिट है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.